ये है दिल्ली दर्पण। दो मिनट बात कर लूं जी? जी बात कर लीजिए जी, बिल्कुल। आप आर्टेमिस में है ना मैम? जी आर्टेमिस की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हाँ, मैंने पहचान लिया, आपका नंबर मेरे को सेव था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ जी बताएं। तो मैडम, क्या ये ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ परेशानी आ रही है और क्यों आ रही है मैम, क्या कुछ कारण समझते हैं आप? ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, आज तो चौथा दिन है। रोज सुबह हम लोगों को फोन करना पड़ता है, एक यू नो डेली का ऑक्सीजन आ रहा है, सुबह आता है रात को खत्म हो जाता है, फिर हम फोन मिलाते हैं। और इतने ऑक्सीजन डिमांड हो गई है, इतने लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन बेड्स पे हैं, रोज का ये है। वी आर ऑन अ डे टू डे लिविंग, यू नो, रोज का डे टू डे लिविंग पे है। एंड कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां से हमें पता चले कि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगा, तो ये तो बेसिक है। अभी तो हम बाकी कोई चीज को देख ही नहीं रहे हैं, कि हम देख नहीं रहे कि रेमडेसिविर है कि नहीं और जो वेंटिलेटर्स है कि नहीं। हम तो कह रहे हैं बेसिक ऑक्सीजन तो दीजिए, नहीं तो कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। मैं आपकी साउंड बाइट के लिए आ सकता हूँ मैम, अगर आपके पास वक्त हो तो? नहीं, मेरे हस्बैंड को आप भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो मैंने अभी अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, तो अभी तो फोन पे ही बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ। अभी वो पॉजिटिव निकले हैं, तो हम अभी घर पे अपने आपको आइसोलेट कर रहे हैं, घर आ गए हैं। तो मैम, पहले आपसे पहले कौन सी सप्लाई थी आपके पास, कहाँ से नॉर्मल सप्लाई आ रही थी, अब क्यों नहीं आ पा रही है, क्या जो कंजम्पशन बढ़ी है इससे? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, लोग घर पे भी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, और सप्लाई यू नो डिमांड सप्लाई का जो उनको स्टेट को समझ नहीं आ रहा है, और प्लस लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप देखिए, छत्तीसगढ़ काशीपुर में बहुत ऑक्सीजन है, वहां से आ नहीं सक रहा है, क्योंकि वहां पर लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो हमने अपने अभी टैंकर वैंकर अरेंज करके वहां से मंगवा रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ डिमांड है, वहां से यहाँ पर कैसे पहुंचे, है ना? तो ये ज्यादा जरूरी है जी। हाँ जी, रेट भी बढ़ाया गया मैम, रेट भी बढ़ाया गया ऑक्सीजन का? नहीं, रेट अभी तक तो हमें मतलब हल्का फुल्का बढ़ा है, पर उतना तो बनता है, क्योंकि उनको भी स्टेप अप करने के लिए फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ ज्यादा हमको तो नहीं दिखा है कि रेट बढ़ा है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सहयोग है इस पूरी चीज को लेकर, जो आप लगातार सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं, इससे बातचीत भी कर रहे हैं? देखिए, अभी तक देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे डाला सुबह में, आज मेरा पहला ट्वीट था, ट्विटर में मैं हूं नहीं, और दो तीन घंटे में उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ट्विटर अकाउंट। फिर ये, क्योंकि मैंने लगाया ये आप किया कि ऑक्सीजन नहीं है, ये लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा। फिर आप देखेंगे सारे बाकी जनता ट्विटर इंडिया के पीछे पड़ गई कि उन्होंने आपने इनका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, इन्होंने ऐसा क्या बोला। कोई अगर अपना प्रॉब्लम बताते हैं, अभी दो घंटे पहले उन्होंने रीइंस्टेट किया, तो हम लोग भी बड़े कंफ्यूज हैं कि सोशल मीडिया में भी कुछ, हम तो हम कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं कि हमें हेल्प करो, तो जाएं कहां, तो कहां जाएं, किसको बोले। तो हमने सोशल मीडिया में ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, हमने सब बड़े बड़े मंत्रियों को और सबको हमने उसमें टैग किया था, बट मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। फिर थोड़ी देर अभी सब लोगों ने, मोर देन 500 पीपल ने फिर बोला क्यों आपने इनका सस्पेंड किया, तो अभी खुलवाया है। तो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के भी वही बात है, वो कह रहे हैं आएंगे, तो अभी हमने ये सारा कार्यक्रम अपने ही हाथ में ले लिया है, हम मैनेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कॉर्पोरेट, बाकी कॉर्पोरेट से जो स्टील प्रोड्यूसर जो लोग स्टील वगैरह बनाते हैं ना कॉर्पोरेट, वो आगे आ रहे हैं, हमको अपना ऑक्सीजन डाइवर्ट करके टैंकर हम और अरेंज कर रहे हैं, वो अपना ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। अभी तो हम लोग ऑन अ डे टू डे खुद ही अरेंज कर रहे हैं, और ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर अभी तक हमें कोई सहूलियत नहीं मिली है, यू नो, कोई ऐसा वो नहीं है। और दिस इज, ये चीज हम पॉलिटिकल कोई गुड और बैड की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम वो डॉक्टर हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये बेसिक तो दीजिए, नहीं तो हम कैसे करेंगे। हम तीन रात से सोए नहीं है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैं रात भर ऑक्सीजन का टैंकर कहाँ है मैं यही देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरे 59 वेंटिलेटर चल रहे हैं, तो यू नो, और मतलब ये तो ऐसे तो काम कैसे चलेगा, हम पेशेंट की इलाज करें कि ऑक्सीजन को फॉलो करें, यू नो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी, बहुत अच्छा। मुश्किल से, हाँ, कल आपने देखा होगा फोर्टिस का भी ट्वीट आया, 45 मिनट रह गया था उनके ऑक्सीजन का, जी। तो फोर्टिस गुड़गांव का, मेदांता का भी यही हाल था, एक घंटा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था एक घंटा पहले उनकी, और जो रीफिल भी हो रही है ना, वो वन थर्ड ही हो रही है, डिमांड 3 times है, और हल्का थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, तो फिर अगले दिन फिर हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, ना ही हमारा टैंक भर रहा है, ना ही हमारे को कोई अनइंटरप्टेड सप्लाई आ रही है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया है। अच्छा मैम, आप समझती हैं कि ये ऑक्सीजन की जो कमी है और बेड की जो
संख्या है वो कम पड़ रही है, इसके कारण कोविड से होने वाली डेथ जो है ना वो बढ़ती जा रही है, आप समझ रहे हैं इस चीज को? मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप हमें ऑक्सीजन दे, मैं आज के दिन और 23 बेड खोल सकती हूँ, पर इसलिए नहीं खोल पा रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन हमारे करंट बेड के लिए नहीं है। जी जी, हम लोग कुछ भी करके हर जगह पे हम बेड लगा के हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन की लाइन खींच सकते हैं, ठीक है जी जी। हमारे इमरजेंसी में इतने पेशेंट गिर रहे हैं, इतने पेशेंट आ रहे हैं, हम चाहते हैं हर बंदा बचाए, हम किसी को वापस नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे दिस इज अ वॉर फॉर अस, यू नो। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन आएगा तो हम इधर उधर एक कमरे में 4 बेड लगा के ऑक्सीजन पूल करके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। वेंटिलेटर स्टार्ट चले हम, पर पहले बेसिक तो दे, बेड कैसे बढ़ाएं? अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो हम बेड बढ़ा के भी क्या करेंगे? ये तो सारे ऑक्सीजन वाले बेड हैं, बढ़ा के हम उनमें पेशेंट कैसे रखेंगे? आप पहला काम पहले कीजिए, पहले हम बोल रहे हैं पहले ऑक्सीजन दीजिए, फिर हम देखते हैं बेड कैसे बढ़ाएं। अब आप कह रहे हो कि इस वाले हॉस्पिटल में हम लोग नया हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, इसमें हम लोग 50 बेड डाल रहे हैं, पर ऑक्सीजन कहाँ है? उसके बिना हम लोग बेड कैसे बढ़ाएंगे? जी जी, तो पहले तो अभी नेशन वाइड एक ही काम होना चाहिए कि ऑक्सीजन अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई करवाइए। मैं तो जैसे अभी मैंने एक NDTV में इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो लॉजिस्टिक मूवमेंट होता है ना, ऊपर से नीचे आगे से पीछे, ये लोग बेस्ट कर सकते हैं। जी जी, यहाँ पर हर स्टेट अपना ऑक्सीजन खींच रहा है, नहीं कर रहा है, उनको समझ नहीं आएगा। इंडियन आर्मी नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट कभी भी चला जाता है जितना मर्जी सप्लाई लेके, उनका लॉजिस्टिक कंट्रोल बढ़िया है। ये मेरा कहना है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं लॉजिस्टिक्स को पहले देखो। और आज के दिन सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, गेट ऑक्सीजन अनइंटरप्टेड, दैट्स ऑल। बाकी का काम से उसके बाद सोचेंगे आप। अच्छा, 7 दिन अनइंटरप्टेड दीजिए, हम उसके बाद बेड बढ़ाएंगे, फिर वेंटिलेटर देखेंगे, फिर हम बाकी चीजें देखेंगे। मैडम, ये सारी चीजों की कमी के कारण आप समझती हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है गुड़गांव में? देखिए, वो तो ऑब्वियसली है, सिर्फ कमी के कारण नहीं, ये डिजीज भी ज्यादा फैल रहा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, विरुलेंस ज्यादा है, जो हमने लास्ट टाइम फेस किया था उससे ज्यादा। अगर पहले एक बंदा 3 को इन्फेक्ट कर सकता है, आज के दिन एक बंदा 30 को इन्फेक्ट कर रहा है, ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन और ये जो नया सेकेंड वेव आया है, ऊपर से विरुलेंस ज्यादा है कि फटाफट डिसैचुरेट कर रहे हैं। पहले अगर ऑक्सीजन 94 में चलता था, 94 से 85 में आने में समय लगता था, बट अभी तो बैठे बैठे वो डिसैचुरेट कर रहे हैं। सो डिजीज इज मोर विरुलेंट, इट इज स्प्रेडिंग मोर, और ऊपर से बाकी जो कमी है वो तो है, कमी इसलिए है क्योंकि नंबर जितने ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड विरुलेंस, है ना? जी 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 जी। अच्छा मैम, मैं आपकी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकता हूँ ना न्यूज चैनल पे? हाँ, आप कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर